रहीम शैतान अल्लाह रजीम सुनते कान और देखती आंखों को उज़ैर भाई का सलाम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब मोमिन मोमिनात खैरत व आफियत से होंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुँच चुकी और जो दूसरी टीम पहुँची है वो सर आफ्ताब की है और फिल वक्त सुबह का टाइम है और हम में मुर्तज़ा और मीर निकलने वाले हैं कप्स लेने। तो दोस्तों आज का व्लॉग बनने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज शाम ही फाइनल है और आज ही कप वगैरह लेने हैं। तो दोस्तों चलिए गाड़ी ऊपर खड़ी है साइकिल मोटर बस उस पर बैठेंगे और निकलेंगे सिटी की तरफ। तो उससे पहले मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ दोस्तों देखे बजीर मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द चेकिंग कर रहे हैं। देखे कौन सी पसंद आती है आपको ये और एक रही ये बाहर कौन सी चीजें लेता है भाई वो भी आपको दिखा दे फाइनली सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि रकम कितनी बनती है इन सब की। फाइनली सारा सब कुछ सामान ले लिया है। अब इमरान भाई कह रहे हैं कि बिरयानी के भी पैसे नहीं मिले। मेहरबानी करके हमारे इसी पैसे करो भाई। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि इमरान भाई बाहर क्या खिलाते हैं वो खाकर फिर निकलते हैं गांव की तरफ। छक्का
फाइनली जैसे ही कप लेकर निकले तो इमरान भाई चढ़े और गाड़ी पंचर हो गई। तो दोस्तों हाँ बिरयानी खाएंगे, इंशाल्लाह खाएंगे बिरयानी। तो दोस्तों चले गाड़ी को पंचर लगे तो देखते हैं बिरयानी खिलाते हैं या नहीं। दिखाओ ना गाड़ी पंचर, दिखाओ। गाड़ी से टायर खुला करे कि पंचर और टूप पूरा खत्म ना हो यार। पंचर भी ना हो यार, हवा निकल गई हो पंचर चले आएंगे। इसमें तो आराम से दो टूप तो लग ही रहे पंचर। फाइनली हम घर पहुंच गए और ट्रॉफीज भी ले आए, मेडल्स हों विकेट्स हों सब कुछ सामान लेकर गांव पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फिल वक्त होते हैं रेडी, क्योंकि तकरीबन 4 बजे या 3:30 या 3 बजे टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होगा आज ही। तो दोस्तों इसलिए मैं वीडियो की एडिटिंग भी कर चुका हूँ और बस आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मिलेंगे हम आपसे अगले एक और नए क्रिकेट फाइनल मैच के ब्लॉग में, और दूसरा उसमें जब ट्रॉफीज दी जाएंगी उस वक्त के ब्लॉग में, यानी कि बकाया इस MCL 7 के बाकी 2 ब्लॉग्स रहते हैं। दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम आपसे अगले एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप हमें और हम आपको ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।